लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। मैं बेड पे भी जाके वहाँ बैठ जाऊँगा, लेकिन मेरे को 42 दिन का बता रहे हैं कि 42-44 दिन जो है रहना पड़ेगा, मैं वहाँ पूछूँगा वहाँ से वर्क जब तक इनकाउंटर कर सकूँगा। पंजाब के लोगों के तरफों से ये पिछले कई दिनों से जब से रेलवे का काम चल रहा है तो उसे बिलासपुर के लोगों को कोई काम नहीं था। अब रेलवे बिलासपुर की तरफ को आई है तो हमने DVL कंपनी सभी कंपनियों से बात की कि अब हमारे बिलासपुर के लोगों को भी काम दो। इन्होंने काम दिया, पंजाब का कोई सप्लायर था यू बी प्रस्ताव, उसने हमने ये कहा कि पंजाब के लोगों को काम नहीं दो, भले पंजाब से हमारे लोग सामान लेके आए, आप वर्क ऑर्डर सप्लाई ऑर्डर बिलासपुर के लोगों को दो। बिलासपुर में काम चल रहा है, यहाँ पे नियम है कि भाई हिमाचल में जो जिनको प्रोजेक्ट आएगा तो 70% रोजगार बिलासपुर के लोगों को देना पड़ेगा। उसमें हमने यहाँ पे BJP के लोग भी काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी काम कर रहे थे, लेकिन बिलासपुर सदर के कांग्रेसियों को काम था ही नहीं। हमने कहा भी उनको भी काम दो। तो पीछे अभी ये कोई लोग जमाड़ के गुंडे हैं और नशेड़ी हैं ये सारे लोग, और ये चिट्टा बेचने वाले लोग हैं जिसमें फांदी और पिंटू का बेटा और जो पिंटू एक आइडेंटिफाइड सप्लायर है और साथ में एक मंजीत नड्डा है, यहाँ से ये 40-50 गुंडे लेकर के आए। और इन्होंने मैं कंपनी में यही बात कर रहा था GM से, तो GM ने भी कहा कि ठीक बात है, हम जो है वो बिलासपुर के लोगों को ही काम देंगे। वो अंदर आके घुस के जो है उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, वो पिस्टल उनके साथ देसी कट्टे होते हैं, उसकी कंप्लेंट मैंने पहले भी की थी DGP साहब को कि मेरे को सुरक्षा दी जाए। वो कहता था कि मैं पंजाब से हरियाणा से कोई बंदे ला करके तेरा मर्डर करा दूंगा तो हमारे खिलाफ चिट्टे के बारे में क्यों बोलता है, इलेक्शन के दौरान में ये सारे उनके साथ घूमे रहे, मेरे बेटे को मारा उस टाइम उन्होंने, आज इन्होंने फिर मेरे पर भी हमला किया, मेरे बेटों के ऊपर भी किया। तो 40-50 लोग पूरे आर्म्स एक्टर पूरे आर्म्स लेके आए थे, तलवारें इनके पास थी, ग्रिप थे, रॉड इन्होंने मेरी पीठ पे मारी, जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और यहाँ मेरे को उन्होंने तलवार लगाई, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ लगा और काफ़ी चोटें आई हैं। तो ये सारे यहाँ गुंडागर्दी है। और JP नड्डा जी आज यहाँ आए हैं, उनका PA का भाई पकड़ा गया अभी 4 दिन पहले चिट्ठा भेजता हुआ। मैंने ये प्रश्न उठाया कि आप हम लोगों के ऊपर ये बातें करते थे, आज कौन भेज रहा है चिट्ठा आप ही के सामने मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये सारे चिट्ठाधारक जो इकट्ठा होकर के इन्होंने मेरे ऊपर वहाँ पर हमला कर दिया कि इस बात का भी गुस्सा था कि भाई PA का नाम क्यों ले दिया। तो हमारे ऊपर बोलते रहे, हम सुनते रहे, सहन करते रहे, और यदि हम बोले तो हमें मारे। ये लोक जमाल की सियासत के चलते ऐसा हुआ कि सारा प्रशासन नड्डा जी के स्वागत में वहाँ पे होगा, पीछे से हमला कर दो ताकि पुलिस भी नहीं पहुँचे टाइम की और कोई नहीं पहुँचे। तो आधा घंटे पर भीड़ करें वहाँ पर। मेरा तो यही निवेदन है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये DVL कंपनी में कोई पूर्व विधायक जो है वहाँ कंपनी के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान जो है ये बयान हुआ है कि 7-8 जो लड़के हैं जो यहाँ के स्थाई निवासी स्थाई जिला बिलासपुर के ही है, वो आकर केंद्र से जो है बहस की है और उसके बाद इनको जो है डंडों से और कुछ हथियार ग्रिप वगैरह से ऊपर हमला हुआ है। उस समय जो है इनके साथ इनके दोनों बेटे भी साथ थे, उनको भी छोटे आई और पूर्व विधायक महोदय को इस हमले से छोटे आई है।
और ईडी के बयान के आधार पर थाना में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन जो दोषी हैं उनको अभी गिरफ्तार कर लिया। सर बंपर ठाकुर को अभी देख के आए हैं? अभी इनकी स्थिति सामान्य ही बताई है, इनके काफ़ी टेस्ट हुए हैं सीटी स्कैन में, तो थोड़ा सा एक कोई L2 पे थोड़ा सा वो बताया है, कोई इतना ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है जो डॉक्टर लोग बता रहे हैं। बाकी जो रिपोर्ट आने के बाद जो है क्या आता है वो डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ही कहा जा सकता है। पुलिस ने आइडेंटिफाई? हाँ, उसमें से 5-6 तो अभी थाने में आ चुके हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, और अगर इसके अलावा कोई और भी होगा तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।